लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पटना में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने शासकीय योजनाओं को धर्म के आधार पर बांट दिया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण योजनाएं चला रहे हैं। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार देश की 81 करोड़ लोगों को अनाज बांट रही है। भाई ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं राजनीति कहते हैं, इसी को कहा जाता है। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में है? ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है? जब हम लोग उज्ज्वला दे रहे हैं तो उज्ज्वला हम लोगों ने कभी ये देख के तो नहीं दिया कि ये हिंदू महिला को दिया जा रहा है या मुस्लिम महिला को दिया जा रहा है, या शौचालय हिंदू महिला के घर पे बन रहा है या मुस्लिम महिला के घर पे बन रहा है। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को और बिहार को हुआ। बिहार जैसे राज्यों में ये लोग किस मुंह से बोलेंगे, जो लोग खुद जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, जिन्होंने हर समय समीकरण बनाकर चुनाव लड़ने का काम किया। कौन बोलता है भैया एमवाई समीकरण की बात? हम लोगों में से किसी में कभी आपने सुना भाई हम लोग का एमवाई समीकरण तो कहता है महिला और युवा? मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, और मैं जात की नहीं, मैं पूरे जमात की मैं बात कर रहा हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।